सो वील बी स्टडिंग दी वेरियस ट्रैवर्सल्स जो डीएफएस के अंडर हो सकते हैं. सो हमने डीएफएस का फुल फॉर्म क्या पढ़ा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च. इसमें क्या होते हैं, हम डेप्थ के अलोंग पहले जाते हैं एंड देन उसके एंड देन सारे ट्रैवर्सल्स करते हैं. तो इसमें हमारे पास तीन तरह के ट्रैवर्सल्स होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, तो अब काफी सिंपल कोड्स होते हैं, बट लाइक थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस ऑर्डर में करते हैं हम. तो क्या होता है, जैसे अपने पास एक रूट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है. ठीक है, और ये रूट को हम आर नॉट बोल देते हैं. तो सबसे पहले इन ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ्ट पहले आता है, रूट बीच में आता है और राइट. ये हर नोड के लिए ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है. सही है, वैसे ही प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर माने कि पहले आने वाला. तो ये रूट की पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट और राइट वैसे ही रहेंगे. तो मतलब अगर प्री ऑर्डर मतलब प्री पहले होता है, तो रूट अगर पहले आ गया तो रूट हमने पहले लिख दिया, फिर लेफ्ट और राइट लिख दिया. ठीक है, वैसे ही पोस्ट ऑर्डर मतलब बाद में आने वाला. तो अगर बाद में आएगा तो पहले एल और आर आ जाएंगे, उसके बाद आर नॉट आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. वैसे ही अगर हमने ये समझने की कोशिश करी कि इन ऑर्डर कैसे आया, तो पहले लेफ्ट आ गया, फिर बीच में रूट आ गया और फिर राइट आ गया. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बेसिक कि हम इन्हें याद कैसे कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो कि अगर कोई ट्री हमें दे रखा है तो उसमें इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर में कैसे दिखेगा हमारा ट्री. एक जैसे हमारे पास ट्री है, ए सी डी एफ ठीक है, तो अब इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, प्री ऑर्डर क्या होगा और इन ऑर्डर क्या होगा. सबसे पहले प्री ऑर्डर से शुरू करते हैं. इसमें क्या होता है, पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि हम रूट्स देख रहे हैं, तो रूट की वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, ए देखा, ए एनकाउंटर किया, तो हमने ए लिख दिया इसमें, क्योंकि सबसे पहले रूट आए. फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बी पे आए. तो अब क्या होगा, बी के लिए, अब बी के लिए पहले रूट लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे. ठीक है, तो रूट आएगा तो मतलब हमें बी प्रिंट कर देना है, तो हम बी प्रिंट कर देंगे. सही है, फिर उसके बाद अब लेफ्ट एनकाउंटर होगा, तो लेफ्ट में वो लेफ्ट में चले जाएगा अपने, तो बी सी पे आ जाएगा. ठीक है, तो सी पे आया, तो इसमें भी रूट, लेफ्ट और राइट. ये वाला जो मैंने बोला है रूट, लेफ्ट और राइट, हर नोड के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो कर देते हैं. सो रूट आ गया इधर, लेफ्ट और राइट. तो अब सबसे पहले क्यों रूट आया, तो सी प्रिंट कर देंगे हम. फिर उसके बाद, अब उसके बाद आया डी के लिए, अब उसके बाद आया लेफ्ट, तो हम लेफ्ट में चले गए इसके, तो इसके पास भी रूट, लेफ्ट और राइट आया. तो क्योंकि रूट है तो हम सबसे पहले डी प्रिंट कर देंगे एंड देन उसके लेफ्ट में जाएंगे. ठीक है, अब लेफ्ट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब हम जब लेफ्ट गए तो एग्जिस्ट कुछ नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे. तो हमारी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, इधर लिख देते हैं, इफ रूट इक्वल टू नल, तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली. हम कुछ नहीं कर रहे उसके लिए, क्योंकि उधर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम उस चीज के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो हमने रिटर्न कर दिया. अब अभी तक इस नोड के लिए क्या क्या हो चुका है, आर और एल, आर नॉट और एल हमने देख लिए हैं. ठीक है, अब आएगी, अब हम क्योंकि लेफ्ट में गए थे तो वो रिटर्न होके वापस आ गया, तो अब हम राइट को देखेंगे कि भाई तेरे राइट में क्या है. तो उसने कहा कुछ नहीं है, तो वो वापस रिटर्न हो जाएगा. तो हमने इधर इस वाले नोड को प्रोसेस कर लिया ऑलरेडी. अब वो क्या करेगा, अब वो रिटर्न हो जाएगा. जब हम लेफ्ट के थ्रू इधर गए थे तो अब वो रिटर्न होके वापस आ जाएगा. अब वो, क्योंकि अब हमारा थर्ड पैरामीटर बचा है ना, तो राइट में जाएगा. तो राइट में जब गया तो यहाँ नल है अपने पास, है ना, तो ये वापस कुछ नहीं करेगा, पीछे चले जाएगा एंड ये अब अपने को रिटर्न कर देगा.
अब हमने इसका लेफ्ट ऑलरेडी देख लिया, लेफ्ट इधर था ना, तो हमने सी को प्रोसेस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके राइट में प्रोसेस करेगा, मतलब बी का रूट प्रोसेस कर दिया क्योंकि हमने बी का आउटपुट लिख दिया था, फिर लेफ्ट में गया तो इधर चले गया था, अब बी के राइट में जाएगा, ठीक है। तो अब राइट में गया तो उसमें क्या आया, ई आया। अब इसका रूट लेफ्ट और राइट, तो रूट आया सबसे पहले तो हमने ई प्रिंट कर दिया। फिर अब क्या होगा, अब वो अपने लेफ्ट में बुलाएगा, ठीक है, तो इधर नल है तो वो रिटर्न कर देगा, सिंपली कुछ नहीं करेगा। फिर उसके बाद अब ये अपने राइट में बुलाएगा, तो हम राइट में गए, राइट में गए। फिर अब क्या होगा, यहाँ भी रूट लेफ्ट और राइट आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, रूट आया तो हमने एफ प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद अब इसके लेफ्ट में गए क्योंकि लेफ्ट लिखा है, तो लेफ्ट में गए, नल है तो रिटर्न कर दिया सिंपली। देन इसके राइट में गए तो नल है तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये पीछे जाएगा और ये पीछे जाएगा, एंड इसका भी हमने राइट प्रोसेस कर दिया, ये पीछे जाएगा। इसका हमने रूट लेफ्ट और राइट, हमने रूट लिख दिया ऑलरेडी, लेफ्ट हम ट्रैवर्स करके आ चुके, रिटर्न हो गया, अब राइट में जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली नोड एनकाउंटर हुई, इसमें क्या हुआ, रूट लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो रूट आया तो सबसे पहले हमने जी प्रिंट कर दिया, तो हमने जी प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद वो अपने लेफ्ट में गया तो क्या है, एच है, तो इसमें रूट लेफ्ट और राइट, देख रहे हो, मतलब प्री ऑर्डर है, तो हमेशा रूट पहले आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगी। तो रूट आया एच, सही है, तो हमने एच प्रिंट कर दिया। फिर इसके लेफ्ट में गए तो नल है, इसके राइट में गए तो नल है, तो रिटर्न हो गया दोनों से, फिर इसने रिटर्न कर दिया। अब इसके राइट में गए क्योंकि रूट लेफ्ट हमने कर लिया, राइट में अब जाएंगे तो वो नल है तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये वापस इधर आके ये रिटर्न हो जाएगा पूरा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, ठीक है। तो यही था, मतलब काफी सिंपल है, मतलब इसमें इसमें एग्जैक्टली जैसे किया है कि रूट पहले आया और लेफ्ट और राइट की पोजीशनिंग सेम रहती है, मतलब रिलेटिव ऑर्डरिंग सेम रहती है, कि मतलब हमेशा लेफ्ट पहले ही आएगा, राइट बाद में आएगा, बस हम रूट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका कोड अभी हम तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद कोड देख लेंगे, सबके सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सबको समझ आया होगा।